मैं जरा टीसीएफ से बात करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, आपकी डॉक्यूमेंट्री दिखाना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को यह पता चल सके कि क्या कुछ होता है। और ये मैं शहजाद साहब से भी कहूंगा, आयशा से भी कहूंगा, राशिद भाई से भी कहूंगा कि देखिए बड़ा काम है। ये वो लोग हैं जो वाकई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए काम करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की इस्तेआत दे और इस्तकामत दे। वॉच दिस। ये स्कूल एक हैरत अंगेज कहानी का आगाज है जो 1995 में शुरू हुई। इसकी इब्तिदा कराची के कुछ ताजिरों के दरमियान होने वाली बातचीत से हुई। We shared one thing in common, which was that we were all fed up with the state of affairs in the country. We one day decided that we will either be a part of the problem and just sit back and enjoy ourselves, or get together and do something to change the situation. So, इन लोगों ने Citizens Foundation की बुनियाद रखी ताकि बच्चों को subsidized मयारी तालीम फराहम की जा सके। मच्छर वन TCF के इब्तदाई स्कूलों में से था। यहाँ ना तंगोतारी क्लासरूम्स हैं और ना टीचर्स की कमी। हर प्राइमरी स्कूल में 6 क्लासरूम्स हैं, एक लाइब्रेरी और एक आर्ट रूम है। यहाँ बच्चे रिसाइकल्ड अशिया का तख्लीकी इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी स्कूलों में साइंस और कंप्यूटर लैब भी हैं। हकीकत ये है कि TCF स्कूल इस तरह की तालीम और सहूलतें मुहैया करते हैं जो पाकिस्तान के अच्छे प्राइवेट तालीमी इदारों में फराहम की जाती है। When we reach, inshallah, 1,000 schools, we want to see that some of these children will be our healers, some of these children will be our teachers, some will build dams or bridges for Pakistan, some will fly our planes, and we would be able to talk about these children as we talk about our own children. थोड़ा सा जरा मुझे बताइए TCF के बारे में, ये सिलसिला शुरू किस तरह से हुआ? I know 1980s में इसका आगाज हुआ था, कैसे हुआ, कैसे? ये जो हिस्सा है इस डॉक्यूमेंट्री का, जो 4-5 लोगों को एक टेबल पे दिखाया गया है, ये सिर्फ TCF के लिए नहीं, हम पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत उम्दा एक मिसाल है कि किस तरह आम शहरी अपने इर्द गिर्द के माहौल में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। ये आम लोग हैं, हम और आप जैसे, मगर इन्होंने जो रोज़ TV और अखबार में देख देख के परेशान होना उड़ना और मायूस होने के बजाय उन्होंने अमल करने पे का फ़ैसला किया, और उन्होंने ये तहिया किया कि ये सारे जो मसाइल हमें नज़र आते हैं, चाहे सेहत हो, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे इनटॉलरेंस हो, उन सब की जड़ इस चीज़ में है, तालीम है ना, कि तालीम बेसिक का है। ठीक है, और उन्होंने इस वजह से अपने पैसों से सिर्फ 5 स्कूल बनाए। ओके। कच्ची आबादियों में कराची के। ठीक है, और सबसे जाके भीख मांगनी शुरू कर दी कि देखिए ये 5 स्कूल जिस तरह चल रहे हैं उस तरह के हमने 1,000 स्कूल बनाने। क्या बात है, क्या बात है। तो जब 1,000 का लफ्ज आता है तो सब कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने कहा ठीक है हम भी करते हैं छोटा मोटा काम, आप भी 5-10 स्कूल बना लें। मगर 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना 1,000वां यूनिट। ओए होए, क्या बात है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, बजा दो, तुम्हारा मुस्तकबिल है ये, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों के लिए तालियां बहुत सारी होनी चाहिए। जी जा, आज 1,202 स्कूल यूनिट्स हैं, 1,202 पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं, और 1,75,000 गरीब तरीन तबके से ताल्लुक रखते वाले बच्चे इसमें तालीम हासिल करते हैं। वाह 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 वाह। साहिब भाई, असल फर्क ये है कि हम जिस तहरीक से ताल्लुक रखते हैं, एक तहरीक है क्यों, आम शहरियों ने बनाई है, मगर इसमें अमल पे ज्यादा फोकस है। तो हम बहुत सारे लोग हैं कि 1,202 यूनिट हो गए, 2,250,000 बच्चे, पता भी नहीं चला TCF के बारे में, और ये एक अच्छाई समझ लें इन लोगों की कि ये बहुत खामोशी से सिर्फ काम करते रहे हैं पिछले 21 साल से। सही। इनका जो इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल्स थे जिस पे ये बनाई है वो ये है कि गरीब तरीन बच्चों के लिए होगी, 50% इन बच्चों में जो तनासब होगा वो लड़कियों का होगा, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जैसे ही आप किसी लड़की को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल से गुजार देते हैं तब उस कस्बे की, उस गांव की, उस कच्ची आबादी की तकदीर बदल सकती है,
क्योंकि वो माएं, वो बहनें, वो आइंदा की नस्लों को और उस आज के कस्बे को भी बदल के रख देती हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल बाद ऐसी ऐसी जगह भी हैं जहां पहले जब हमने स्कूल खोला तो कस्बा जो कम्युनिटी थी वो एक लड़की को भी नहीं भेजने को तैयार थे, और जब वो लड़कियां मैट्रिक पास कर गईं तो वही कम्युनिटी वापस आके कहने लगी कि आप जा नहीं सकते, इनको आप इंटर भी कराएं, इनको आप बैचलर्स भी कराएं, और वही बच्चियां आज उस स्कूल की टीचर्स हैं और प्रिंसिपल हैं जो उसी गांव से निकली हैं। तो ये हमारे इर्द गिर्द की बात है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, पाकिस्तानियों ने ही बनाया है ये, इसके पैसे भी पाकिस्तानी देते हैं और इसमें पढ़ाते भी पाकिस्तानी हैं। 14,500 लोग TCF में काम करते हैं आज, ये लोगों को पता नहीं, 10,100 खवातीन, सिर्फ हम खवातीन टीचर्स रखते हैं, और इसकी वजह भी ये है कि अगर हमने 50% तनासुब लड़कियों का रखना है तो स्कूल बीच मोहल्ले में होना चाहिए ताकि लड़के लड़कियां चल के आ सकें, उनको दूर ना जाना पड़े, और अगर माँ बाप को ये फिक्र हो कि भाई उस्ताद होगा तो मेरी लड़की सेकेंडरी स्कूल में कैसे जाएगी, तो तमाम तर असातिज़ा खवातीन हैं। अब ये मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतने कच्ची आबादियों में और गाँव में क्वालिफाइड टीचर्स को पहुँचाया कैसे जाए। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताता हूँ, 800 वैन्स सुबह निकलती हैं और अच्छे भले PCHS और गुलबर्ग जैसे इलाकों से क्वालिफाइड टीचर्स को पिक करके एक एक डेढ़ घंटा दूर इन कस्बों में लेके जाती हूँ और फिर वापस ड्रॉप करती हूँ। हमने एक दिन हिसाब लगाया तो 75,000 किलोमीटर पर डे का यही एक सफर था जो पूरे मुल्क। वाह 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 वाह। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। बात हो रही सखावत की, तो इससे ज्यादा सखी क्या बात हो सकती है कि आप पाकिस्तान को इल्म दे दें। आज हमारा मौजू सखावत है, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और हमने TCF को यहाँ बुलाया हुआ है क्योंकि मेरे ख्याल में इससे बड़ी सखावत कोई नहीं हो सकती कि आप इल्म जो है वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें, और इल्म भी इस तरह से प्रोवाइड करें कि जो वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉन अफोर्डिंग फैमिलीज जो हैं, तकरीबन 1,75,000 बच्चे जी, हाँ। जी पौने 2,00,000 के करीब बच्चे जो हैं वो TCF के 1200 से ज्यादा स्कूल्स के अंदर इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, तो इससे बड़ी सखावत क्या हो सकती है। इनफैक्ट शहरयार दाऊद साहब, आप क्या शेयर करना चाहते हैं, एक बड़ी जबरदस्त कहानी है जो एक ऐसा इदारा है जिससे मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी मुंसलिक हूँ। इस वक्त मेरी दोनों बड़ी बेटियां TCF के साथ वॉलेंटरली नादार, इलिटरेट, गरीब तरीन मलीर के गोठों में जा करके बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त तालीम दे रही है। वाह वाह वाह। रमजान और मुबारक की इन सख्त गर्मियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का जज्बा इस कदर काबिले कदर है कि वो मैं से कहता हूँ बेटा कभी छुट्टी कर लो, आई मीन कोई फर्ज तो नहीं है ना, तो कहने लगे अब्बू ये फर्ज से ज्यादा है, अब्बू ये फर्ज से ज्यादा है। उसकी वजह क्या है कि हम जिन बच्चों को तालीम दे रहे हैं, एंड डू यू नो अबू व्हाट, हमें वहां मोबाइल वगैरह ले जाने की इजाजत नहीं है, हम बहुत अच्छे कपड़े पहनकर वहां नहीं जाते। वजह क्या है, हम ऊंची हील्स पहनकर नहीं जाते, फ्लैट चप्पल पहनकर जाते हैं, हम वहां के बच्चों के साथ उन्हीं के कैलिबर, उन्हीं के स्टैंडर्ड का, उन्हीं की क्लास का होकर हम उन्हें पढ़ाते हैं ताकि उन बच्चों को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना महसूस हो। तो TCF इज रियली, समटाइम्स आई थिंक अबाउट इट कि यार पाकिस्तान को अल्लाह ताला चला रहा है, यकीनन चला रहा है, अगर ये NGOs और ये इस किस्म के TCF और दीगर और इदारे जो हमारे आते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये ना हो तो हमारे पाकिस्तान का बनेगा क्या? कुछ नहीं बनेगा, मैं सच बता रहा हूँ, जितना बना है इतना भी नहीं बनेगा। लेकिन हैट्स ऑफ, सैल्यूट टू TCF, आप देख लीजिए। और ऑफ कोर्स हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सीरियसली मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं जाने से पहले जी, जी, कि अगले 7-8 दिनों में आप मेरे पास इसी ट्रांसमिशन में आएंगे कुछ कहानियों के साथ जी, और जी, हम आपको प्रॉपर तौर पे 2 घंटे की ट्रांसमिशन में फीचर जी, करना जी, चाहते हैं। श्योर, आपकी आपकी इनायत है। मेरे ख्याल से इन बच्चों की स्टोरीज जो हैं, ये जो 1,75,000 बच्चे हैं, इनकी एक एक की स्टोरी ऐसी है कि हम देख सकते हैं कि तब्दीली तालीम से कैसे आती है लोगों की जिंदगी में। सो जरूर ये मेरा फर्ज है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।